तो हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि IBM का जो सेकेंड राउंड का टेस्ट है वो कैसे देना है, और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। जो कोडिंग असेसमेंट था, जो कोडिंग टेस्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो है सेकेंड राउंड का टेस्ट का लिंक आया। तो ये जो टेस्ट है हमको 14 डेज के अंदर देना है, और आप अगर एक बार टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा। जब भी स्टार्ट करो, आप अगर क्लोज भी कर देते हो तो आपका टाइम जो है स्टार्ट रहेगा, और 60 मिनट के अंदर ही आपको टेस्ट कंप्लीट कर देना। तो चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताता हूँ कि सेकेंड राउंड का जो टेस्ट है वो कैसा है, कितने क्वेश्चंस है, कितने टाइम मिलेगा, वो सारा आपको डिटेल मिलेगा। और आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर कमेंट करो कि आपको आंसर चाहिए, तो आपको फर्स्ट राउंड का भी आंसर मिलेगा और सेकेंड राउंड का भी आंसर कंप्लीट मिलेगा। ये रहा IBM का सेकेंड राउंड का टेस्ट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 60 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, कुछ कोडिंग टाइप क्वेश्चन होगा, कोडिंग से रिलेटेड ही MCQs होंगे, और उसी को सॉल्व करके हमें आंसर देना है। आपको यहाँ पे सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन होगा और सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन होगा, तो दोनों को कंप्लीट करके सबमिट करना है। और इसको हम 14 दिन के अंदर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार टेस्ट स्टार्ट कर देते हो तो आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेगा। अगर आप क्लोज भी करते हो तो आपका जो टाइम होगा वो स्टार्ट रहेगा। तो इसका आंसर और फर्स्ट वाले टेस्ट का आंसर पाने के लिए आपको जस्ट कमेंट करना है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। आपको नेक्स्ट में ये एग्री कर लेना और एग्री स्टार्ट कर देना टेस्ट को। जैसे आप स्टार्ट करोगे, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम से आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। इस टाइप से आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। आप एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आप टेस्ट स्टार्ट करते हो तो सिर्फ आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। आप ना ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना ही आप इसका फोटो ले सकते हो, कैमरा ऑन रहेगा टेस्ट के टाइम पे, और सारा जो टेस्ट का प्रोसीजर होता है वो सेम आपको यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हमारा फर्स्ट राउंड में टेस्ट का प्रोसीजर हुआ था वो सेम आपको यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आंसर के लिए आप जस्ट टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, और या फिर कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।